वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो मैं आज लेकर आई हूँ आपके लिए झटपट केचप की रेसिपी, क्योंकि आजकल टमाटर सस्ते हैं और बहुत अच्छे से रेड जो है पल्प वाले टमाटर आ रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों नहीं घर के लिए केचप बना के रख लिया जाए। सीज़न भी सही नहीं है, बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाती है बाहर वाला रंग बाहर का आर्टिफिशियल फ्लेवर वाला केचप खाने से, और बच्चों को केचप खाने से रोक नहीं सकते। तो मैंने सोचा घर में जो है केचप बनाते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास 2.5 kg टमाटर थे, और मैंने ये छोटे वाले, मतलब ज़्यादा बड़े वाले नहीं थे, ये छोटे वाले टमाटर थे, इनको मैंने बस रफली चॉप अप किया है। और इसमें मैंने ले लिया है 8 से 10 जवे जो है वो लहसुन के, ठीक है, 4 तो 6 8 और 10 जवे जो है वो लहसुन के हैं। और 3 इंच का टुकड़ा जो है वो अदरक का है, जिनको मैंने 4 टुकड़ों में कर लिया है, और एक मीडियम साइज़ का प्याज है जिनको मैंने चॉप कर लिया है। अब इसमें जाएगा, और इसमें मैंने कोई पानी नहीं डाला, आप देखें मैं टेढ़ा करके दिखा रही हूँ, इसमें सिर्फ ये टमाटर का ही पानी है, इसमें मेरे पास कोई मैंने एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला, इसको ऐसे ही चढ़ाना है। और इसके साथ है यहाँ पे 2 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर और 1 टीस्पून सॉल्ट, ठीक है, ये हम इसमें डाल देंगे। और इसको इसी तरीके से कवर करके चूल्हे पर चढ़ा देंगे, ये मैंने चूल्हे पर भी चढ़ा दिया, ठीक है। और अब हम इसको कवर करके इतना पकाएंगे कि इसका जो टमाटर है वो अच्छे से गल जाए। उसके बाद हमें क्या करना है फिर मैं वो दिखाती हूँ। अच्छा, साथ में इसके ये 1 इंच का टुकड़ा जो है वो दालचीनी का जाएगा, और 4 ये जो है ना लौंग के जाएंगे, बस गरम मसालों में सिर्फ यही जाएगा। अब मैं चूल्हा जो चढ़ा दूँगी, और जब तक टमाटर गलेंगे तब तक मैं इनको अच्छे से पकाऊँगी। और जो दालचीनी है और जो लौंग है को अगर आप चाहें तो डिस्कार्ड कर दें, लेकिन ये जो प्याज अदरक लहसुन है ये इसमें अच्छे तरीके से गल जाएगा। फिर हम जब ये गल जाएंगे ना, उसके बाद हम इसको जो है ना ब्लेंड करेंगे, ब्लेंड करने से ये एक पेस्ट बन जाएगा। और फिर हम इसको छान के इसका सारा जो भी डिस्कार्ड होगा, छिलके और बीज, वो सब हम निकाल के और फिर इसको हम थोड़ी देर कुक करेंगे। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि फिर केचप का टेक्सचर कितना और कैसा होगा। तो उसके अंदर फिर 2 इंग्रेडिएंट्स और भी डालेंगे, फिर मैं आपको वो भी दिखाती हूँ कि वो दोनों चीज़ें क्या डालेंगी, जिससे जो है ये लॉन्ग टाइम प्रिजर्व हो जाएगा और हम इसको जो है आराम से बोतल में भर के रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें भाई कितना अच्छे से जो है टमाटर गल गए। अभी इसमें इतना पानी है, ये इसी का पानी निकला है, और मैं अब इसको जो है ठंडा करके थोड़ा, मतलब इतना कि मतलब इसके ये बिल्कुल जो गरम गरम है ना ये ठंडा हो जाए, फिर मैं इसको जो है ब्लेंड कर लूँगी ब्लेंडर में। तो ये जो दालचीनी और ये जो है ना लौंग, ये सब गले में, ये सब इसमें पिस जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मैं इसको ब्लेंड करके पीस के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें से बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, और ये देखो कितना गाढ़ा गाढ़ा है। और इसको हम जो है इस तरह से हिला हिला के निकाल लेंगे, आराम से सारा निकल आएगा, ठीक है। मैं निकाल के फिर आपको गूदा भी दिखा दूँ। ये देखें जी, ये सारा डिस्कार्ड जो है वो अच्छा खासा दबा दबा के मैंने निकाल लिया बीज और छिलके, और ये है इसका सारा गूदा। तो ये देखें जो केचप था जो छान कर ये चीज़ें निकली थी उसमें से, और जो डिस्कार्ड था मैंने आपको दिखाया। अब इसको आपको लो आंच में पकाना है, और इसके अंदर अब जाएगा 2.5 kg टमाटर में ये 1 कप शुगर जाएगी, ठीक है, और साथ में जाएगा 1 कप ऑफ सिरका। ये देखें केचप मैंने जब अभी ये जिस तरह से कुक हो रहा है ना, तो मैंने इसको 10 मिनट कुक करने के बाद इसको इस तरह चेक किया, तो जब ये इस तरह गिरने लगे इसका मतलब ये केचप अभी तैयार नहीं है, ये भी और पकेगा, और जो इसमें बबल्स हैं ये ऐसी हो जाएंगे कि ये एक साथ बबल्स के साथ छींटे उड़ने शुरू हो जाएंगे, और फिर जब हम दोबारा चेक करेंगे तो ये बिल्कुल ठहरा हुआ होगा। मैं तब आपको दिखाऊँगा। अब देखें ये डबल डबल छींटे उड़ा है, मतलब कि ये जब उबल आ रहा है ना तो उसके साथ केचप भी उड़ा, और ये माशाल्लाह अब ये हो चुका है। जा रहा है थोड़ा सा और पकेगा ये, और ये है बोतलें जिनको मैंने वॉश करके स्टरलाइज करके उल्टा करके रख दिया ताकि इसके अंदर भी ज़रा भी पानी ना हो, और यहाँ ये केचप थोड़ी देर और पकेगा, उसके बाद फिर ये ठंडा होगा और बोतलों में। ये देखिए इस तरह पकता जा रहा है, और मैं अब इसमें डाली हूँ 1 टीस्पून सॉल्ट बस। अब हम इसको कुक करेंगे। केचप जो है वो पक चुका है, और ये मैंने DIY निकाला।